प्रतापगढ़ के बाबागंज ब्लॉक के सराय छत्ता प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अनोखी शिक्षा प्रणाली अपना रहे हैं। कक्षा एक से पांचवी तक के बच्चे एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं और इस विद्यालय में आप खुद आकलन कर सकते हैं कि कैसे और किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते होंगे। जबकि विद्यालय में चार शिक्षक तैनात हैं, लेकिन शिक्षक और सफाई कर्मी बाजारों और राजनीतिक चर्चाओं में मशगूल होकर मजे लेते हैं। और इस बारे में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी अशोक सिंह से बात की गई तो बताया गया कि विद्यालय में चार शिक्षक तैनात हैं, 60 छात्रों को पढ़ाने का ये पूरा मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराई जाएगी और अगर शिक्षक दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में बात आई कि वहाँ चार अध्यापक कार्यरत हैं और 60 के आसपास छात्र संख्या है, सभी बच्चों को एक जगह बैठा करके पढ़ाते हैं, इसकी मैं जांच करा रहा हूँ। अगर ये सही पाया गया तो कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। दीपेंद्र कुमार यादव जानकारी के साथ थोड़ा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपेंद्र, क्या कार्रवाई हुई अब तक, जब पूरा मामला बेसिक शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में आ गया है तो अब तक क्या एक्शन लिया गया? बेसिक शिक्षा अधिकारी का बताना चाहते हैं, कहना है बेसिक शिक्षा अधिकारी का कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है, जांच टीम गठित कर दी गई है, जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन में जांच टीम अपनी जांच रिपोर्ट देगी? साफ साफ BSA का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर जो है जांच कमेटी जो है जांच करके अपना दस्तावेज रिपोर्ट जो है पेश करेगी, रिपोर्ट के अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।